पे चलना है अपनी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 नंबर एंड नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सिंपल काउंटिंग को नंबर्स कहते हैं। नंबर्स आर द मैथमेटिकल सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज वैल्यूज यूज टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड यूज इन आवर डेली लाइफ रूटीन। हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में नंबर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए हम 1, 2, 3, 4 कंप्लीट काउंटिंग को यूज़ करते हैं, जिन्हें के नंबर बोलते हैं। अब हम नंबर्स के कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। ये जो डॉट्स हैं ये इस बात को शो कर रहे हैं कि ये अनलिमिटेड हैं। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में मेन डिफरेंस 0 का है। 0 होल नंबर में इंक्लूड होता है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता। ऐसे नंबर जो 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएं उन्हें आप इवन नंबर कहते हैं, जैसा कि 2, 4, 6, 8। देखा जाए तो 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। 4 भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। सेम इसी तरह 6 भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। और 8 भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ऐसे नंबर जो 2 पे कंप्लीट डिवाइड ना हो उन्हें आप ओड नंबर बोलते हैं, जैसा कि 1, 3, 5, 7। 1, 2 पे डिवाइड कंप्लीट नहीं होता। सेम इसी तरह 3, 2 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 आता है। 5 भी 2 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 आता है। ऐसे डिजिट्स जो 2 पे कंप्लीट डिवाइड ना हो उन्हें आप ओड नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स, तमाम नेगेटिव नंबर, तमाम पॉजिटिव नंबर इंक्लूड 0, इनको आप इंटीजर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जो पी ओवर क्यू फॉर्म में राइट किए जा सकें उन्हें आप रैशनल नंबर कहते हैं, जैसा कि 1/2, 3/4, 5/6। इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सकें, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सकें उन्हें आप इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जैसा कि 2 का अंडर रूट। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो ए प्लस बी आयोटा, इस साइन को आयोटा कहते हैं, जो कि इस फॉर्म में लिखे जाएं उनको आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आयोटा वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, विदाउट आयोटा वाले पार्ट को आप रियल पार्ट कहते हैं। जो रियल और इमेजिनरी पार्ट में नंबर राइट किए जा सकें उन्हें आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी दूसरे टेबल पे डिवाइड ना हो उन्हें आप प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी दूसरे टेबल पे भी डिवाइड हो जाएं उन्हें आप कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 4 अपने अलावा 2 पे भी डिवाइड होता है। 6 अपने अलावा 2 पे भी डिवाइड होता है। 3 पे भी डिवाइड होता है। ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल पे भी डिवाइड हो जाएं उन्हें आप कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं।